हाय एवरीवन, तो आज हम लोग होममेड नूडल्स बनाने वाले हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए हमने 1 कप जितना मैदा ले लिया है। 1 या 2 दिन में मैं आपके साथ में गेहूं के आटे के नूडल्स की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है, जो खाला सोडा होता है ना, बस वही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसको यूज़ करने से क्या होता है, जो नूडल्स होता है ना उसमें खिंचाव होता है। जो मार्केट वाले नूडल्स आते हैं आपने देखा है, उसमें थोड़ा खिंचाव सा होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छे से खिंचाव आएगा हमारे नूडल्स में। सभी चीज़ों को हम पहले बढ़िया से कर देंगे मिक्स। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गरम करके रखा हुआ था, तो 1 कप मैदा हमने ली है, तो उसमें हमने 1/4 कप गरम पानी करके इस्तेमाल करना है। पानी आपको एकदम उबलता हुआ गरम ही लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले स्पून से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद में हम हाथों से मिक्स करेंगे। तो पहले हम स्पून से पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि गर्म है, और अब हम इसको हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। क्योंकि अगर हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो एक तो उसमें बाइंडिंग नहीं आएगी, दूसरा हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो आटा है वो एकदम टाइट गूंद कर तैयार करना है। जो आटा है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, टाइट हमें गूंदना है, तभी हमारे नूडल्स जो है एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करते जाते हैं और एकदम टाइट सा आटा गूंद लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आटा थोड़ा लूज हो गया है तो थोड़ा सा इसमें और मैदा मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आटा गूंद करके तैयार कर लिया है, इसको ढक देते हैं। ढक करके अगर आपके पास टाइम है तो लगभग 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं भी इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, और 15 मिनट के बाद में हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद में हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। आप इसको इस तरह से छूकर भी देख सकते हैं, परफेक्टली ये सेट हो गया है। तो अब हम इसको सरफेस पर निकालेंगे और हाथों से इस तरीके से गूंद करके इसको एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट बना लेते हैं। यानी कि हमने जब आटा गूंदा था तो एकदम टाइट था, लेकिन इसको इस तरह से हमें चिकना बनाना है ताकि हमारे नूडल्स एकदम परफेक्ट बन सकें। अब यहाँ देखिए हम फ्लोर पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और हमारे डो को हम इस तरीके से फ्लैट करेंगे, और एकदम पतली सी रोटी इसकी बेलकर तैयार करनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी खाते हैं ना, उससे हल्की सी मोटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत मोटी हमें नहीं रखनी है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको नूडल्स कैसे पसंद हैं। अगर आपको नूडल्स बहुत मोटे पसंद हैं तो आप मोटी रोटी बेल लीजिए, और अगर आपको बिल्कुल पतले पतले पसंद हैं तो आप थोड़ी सी पतली रोटी बेलिए, उससे बहुत बढ़िया बनते हैं नूडल्स। और कोशिश कीजिए कि आप जो रोटी बेल रहे हैं वो थोड़ा लंबा बेलें, इससे हमारे नूडल्स एकदम लंबे लंबे बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। जब भी ये थोड़ा सा चिपके तो आप इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लें। मैदा आपको बाद में भी स्प्रिंकल करना होगा तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होएगा, अच्छे से मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके की लंबी सी रोटी हमने बेलकर तैयार कर ली है, और ये देखिए इतनी इसकी थिकनेस हमने रखी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। अब इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर अच्छे से स्प्रिंकल करना होगा, जिससे हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, उसको निकालना हमें बहुत ही आसान रहेगा। मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पर नूडल्स बनाना सिखाऊंगी, आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम एक साइड पर लगाते हैं, दूसरे साइड पर भी हम मैदा अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ देखिए मैदा हमने बहुत ही बढ़िया से चारों तरफ अच्छे से हर कोने में स्प्रिंकल कर ली है। इससे क्या होगा, नूडल्स कट करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब मैं आपको पहला मेथड दिखा देती हूँ, जैसे नॉर्मली सभी लोग कट करते हैं वो वाले मेथड से। अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, या तो आप ऐसे डबल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स लगाते हैं बिल्कुल उस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ से नूडल्स कट कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। मैं आपको बस कट करके दिखा देती हूँ, जितने चाहें आप पतले इसमें से नूडल्स कट कर लीजिए। लेकिन इस वाले मेथड से क्या होता है, आपको ज़्यादा पतले अगर आप कट करेंगे तो जब आप इसको खोलेंगे ना तो टूटने का डर रहता है नूडल्स का, और इनको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे ये वाला तरीका थोड़ा कम पसंद है। मेरा जो पर्सनली फेवरेट है वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि मैं किस तरीके से नूडल्स बनाना पसंद करती हूँ। ये नॉर्मल वो मेथड है जो मोस्टली सभी लोग बनाते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो आप उससे भी नूडल्स बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली किसी के पास नहीं होती है, हर किसी के पास नहीं होती है, तो मैं इससे नहीं बनाऊंगी, बिना मशीन के ही बताऊंगी। और अगर आपके पास पास्ता वाली मशीन है, पास्ता मेकिंग, तो आप उससे भी बना सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया नूडल्स आपके बनकर तैयार होते हैं। लेकिन आपको बिना मशीन के ही बहुत ही बढ़िया और आसानी से नूडल्स बनाना सिखा दूंगी। तो यहाँ देखिए हमने एक और रोटी बेल करके तैयार कर ली है। अब यहाँ देखिए हमने एक स्केल ले लिया, कोई भी इस तरह से फ्लैट आप चीज़ ले लें, और पास्ता कटर हो तो पास्ता से, या फिर आप इस तरह कोई भी आपके पास नाइफ हो शार्प सा, इस तरीके से आप कट कीजिए। बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही इक्वल साइज़ के हमारे
जो नूडल्स है वो कट कर तैयार होते हैं, छोटे बड़े होने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये क्योंकि फोल्ड नहीं करना पड़ता तो हमें इसको खोलना भी नहीं पड़ता है बाद में, बस जिस तरीके से हम कट करना है हमें डायरेक्टली इन नूडल्स को अब यूज करना है। और इस वाले मेथड से आप चाहे जितने पतले नूडल्स कट करके तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप एकदम जैसे मार्केट में मिलते हैं ना एकदम पतले पतले वाले, वैसे नूडल्स भी इससे बना सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पतले नहीं रख रही हूँ, नॉर्मल साइज ही रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पतले होंगे तो उनको कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल पतला भी कट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तो बस इस तरीके से आप कट करते जाइए और बहुत सारे नूडल्स आपके तैयार हो जाएंगे बन करके। जितने लंबा आप रोटी को बेलेंगे उतने ही लंबे लंबे नूडल्स आपके बन करके तैयार होंगे। इसको स्टोर करने के भी मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक तरीके में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और एक ही तरीके में आप इंस्टेंटली इनको स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। तो पहले मैं सारे नूडल्स को कट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इनको हमें स्टोर कैसे करना है। यहाँ देखिए हमने सारे ही नूडल्स कट कर लिया और कितने बढ़िया लग रहे हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे नूडल्स। ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे नूडल्स बने हैं, बहुत ज़्यादा पतले मैंने नहीं रखे, थोड़े मोटे ही रखे हैं। आप चाहे तो बिल्कुल पतले भी रख सकते हैं। आप इनको देखिए, या तो आप इनको किसी भी कपड़े पर फैला दें या फिर न्यूज़पेपर पर किसी पेपर पर इस तरह फैला दें और धूप में रख दें, दो तीन दिन अच्छी सी धूप लगाएंगे तो बढ़िया से ये सूख जाएंगे। उसके बाद भी आप किसी भी कंटेनर में भर करके रख लीजिए और उसके बाद आप इसको जब चाहे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको दो से तीन दिन लगेंगे इनको अच्छे से सुखाने में। इसके अलावा जो दूसरा है उसमें आप इंस्टेंटली इनको स्टोर कर पाएंगे। तो जब भी आप इनको स्टोर करें, ऐसे भी स्टोर करें, तो आप इसको पहले बॉईल करें उसके बाद में आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको स्टोर करना है। तो यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी जैसे अच्छा सा गर्म होता है इसमें हम नूडल्स को ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है आप चाहे तो इंस्टेंटली अभी भी ये नूडल्स को बना करके एंजॉय कर सकते हैं, बस आपको ऐसे ही इनको बॉईल करना है अच्छे से, जैसे हम नॉर्मल नूडल्स को बॉईल करते हैं वैसे ही बॉईल करेंगे। और उसके बाद में आप इसकी हक्का नूडल्स बनाइए, वेजिटेबल चाउमीन बनाइए, कैसे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे नूडल्स हम इसमें पहले ऐड कर देंगे, पानी हमने काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है, पानी में हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि हम इनको स्टोर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। और अगर आपने सॉल्ट ऐड नहीं किया है नूडल्स बनाते टाइम पराठे में, तो आप इसमें यहाँ पर नमक भी ऐड कर दीजिएगा। तो बस फोक की सहायता से हल्का हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और घड़ी में टाइम लगा करके पूरे 3 मिनट के लिए हमें बॉयल करना है अगर हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं। और अगर आपको इंस्टेंटली इनको यूज़ करना है तो लगभग 6 से 7 मिनट के लिए आप इनको अच्छे से बॉईल कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से मोटे भी हैं ना, तो बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे। मार्केट वाले होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं क्योंकि मशीन से बने होते हैं तो फटाफट से बॉईल हो जाते हैं। और 3 मिनट के बाद में देखिए इनका कलर कितना ट्रांसपेरेंट सा हो गया, बस इस हद तक ही हमें इनको पकाना है, इसके बाद हमें इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ देखिए नूडल्स का कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। आपके स्ट्रेनर में हम अपने नूडल्स को इस तरह से स्ट्रेन कर देंगे, पूरा पानी हम नीचे निकाल देंगे और आपने देखा किस तरह से स्टार्च इसका निकल रहा है नीचे वाइट वाइट सा। और अब इन नूडल्स के ऊपर हम लोग डालेंगे ठंडा पानी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी और ये ज़्यादा अच्छे से गलेंगे नहीं, क्योंकि हमें स्टोर भी करना है, इनको पकाना नहीं है अभी, और स्टोर करने के लिए हमें इनको अभी और पकाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से पानी निकलना है और इसमें हम कोई ऑयल वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल हाथों में लेकर ग्रीस कर सकते हैं इनको, लेकिन हम कोई ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब एक प्लेट में इस तरह से हम इनको फैला देंगे और इनको थोड़ा सा सूखने देंगे, यानी कि पानी इनका सूख जाएगा तब हम इनको स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखा देती हूँ। तो पहले प्लेट में इसको डाल करके लगभग 3-4, यहाँ देखिए ये हमारे नूडल्स अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। और इसका खिंचाव मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने बेकिंग सोडा डाला था उसकी वजह से ही, देखिए एकदम मार्केट की तरह ये खिंच करके टूट रहे हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही नूडल्स, वैसा ही कलर वैसा ही टेक्सचर हमारे नूडल्स का आया है। ये देखिए आप चाहें तो इसको इस टाइम पर यूज़ कर लीजिए, आप इसके हक्का नूडल्स बना लीजिए, वेजिटेबल चाउमीन बना लीजिए। लेकिन मैं इसको आप स्टोर करना दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म होता है, मेरे पास ये यहाँ पर एक रिंग है तो ये रिंग मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास कुकी कटर है तो आप वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमारे जो नूडल्स हैं हम इसके जो रिंग हमने डाली है इस रिंग के बिल्कुल सेंटर में हम अपने नूडल्स को ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगा कि जैसे मार्केट में हमारे नूडल्स मिलते हैं ना इंस्टेंट नूडल्स, बिल्कुल वही वाली शेप इसकी आएगी और ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएंगे और इनको स्टोर करना आसान होगा। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो अभी मैं एक दो दिन में आपके साथ में आटे के जो नूडल्स शेयर करने वाली हूँ वो मैं बिना रिंग के ही आपको स्टोर करना सिखाऊंगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, कल या परसों में मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़े से नूडल्स इसमें डाल देंगे, रिंग के साथ में सेट कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं होते, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमें इनको क्रिस्पी करना है ताकि ये अच्छे से स्टोर हम इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकें।
तो बस एक फोक की सहायता से इस तरह से इनको सेट कर दें। और फ्लेम आपको लो ही रखनी है, ध्यान रखना है ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इनको क्रिस्पी करना है। तब तक ही हमें इनको यहाँ पर पकाना होगा। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह को फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा नीचे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो रिंग है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये रिंग निकल जाएगा, हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया था रिंग पे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कोई भी कुकी कटर वगैरह हो। आप इस तरह से ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इस तरह से इसको ऊपर से ऐसे भी पका सकते हैं या फिर आप इनको पलट कर भी पका सकते हैं। तो देखिए मैं इनको क्या कर दूंगी, पलट दूंगी इस तरीके से। पलटने से भी इनका जो शेप है वो नहीं बिगड़ेगा। जो मार्केट में बने हुए नूडल्स आते हैं वो कुछ इस तरीके के बने हुए होते हैं, तो बिल्कुल मार्केट जैसा स्टाइल ही हमने बनाने की कोशिश की है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको नीचे की साइड से भी पका लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक आपको अपना पता चलेगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। और ये देखिए दोनों ही साइड से काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो बस अब इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए और एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी सा हो गया है, आपको छूने से ही पता चल जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में इनको स्टोर करेंगे। तो यहाँ देखिए दो नूडल्स हमने इस तरीके से बनाए हैं, काफी क्रिस्पी हो गए हैं। ठंडा होने के बाद में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए, साल भर तक भी खराब नहीं होता है, बस इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, मॉइस्चर जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप या तो स्टोर कर लीजिए या फिर जो दूसरा तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रे में हमने नूडल्स रखे हुए हैं जो बॉईल हमने करके रखे थे ना नूडल्स, ये वो वाले नूडल्स हैं, तो उनको हमने इस तरीके से ट्रे में लगा लिया है। इसको हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे, दो तीन दिन के बाद में जो हमारे बॉयल नूडल्स हैं वो अच्छे से सूख करके तैयार हो जाएंगे, तो आप जब चाहे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनको ज़्यादा बॉयल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये नूडल्स बन करके तैयार हो जाएंगे। फिर जब भी हमको इस्तेमाल करना होगा हम बस इनको हल्का सा बॉयल करेंगे और उसके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये नूडल्स को कैसे यूज़ करना है, अगर आप मैगी नूडल्स इससे बनाना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर मैगी नूडल्स बनाना चाह रहे हैं तो हक्का नूडल्स और चाउमीन बनाना चाह रहे हैं तो वो आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। तो आपको आज का ये तरीका कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। एक दो दिन में आटे के नूडल्स की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा, कोविड फिर से फैल रहा है तो मास्क जरूर लगाइएगा। बाय बाय, थैंक यू।